हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पर सेकंड में। ओके, तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हम अगर यूज करेंगे तो वो कितना वर्क डन देगा हमें पर सेकंड में, उसका फॉर्मूला इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले है। ओके, ये जो फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं ना, वो फॉर्मूला एक्चुअली सेमिस्टर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वो फॉर्मूला के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और मैं अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड की, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। ओके, तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का कैसे निकालते हैं। दोस्तों, और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप ये जो है उसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उसको मिल जाएगा आपका मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप करके प्लेलिस्ट है, वहां पर अगर आप ढूंढेंगे डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का तो वहां पर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग द डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, उसके बारे में डिटेल्स में मैंने वहां पर डिस्क्राइब किए हैं। ओके, लेकिन यहां पर थोड़ा मैं ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ करने वाली हूं। ओके, तो क्या होता है, देखिए ये जो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है। ओके, तो ये जो पिस्टन जब एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में होता है तो क्या होता है, यहां इस एरिया में पानी भरा हुआ रहता है। ओके, जब ये पिस्टन एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है तो यहां पर क्या होता है, पानी जो है वो भरा हुआ रहता है यहां पर। ओके, यहां पर पानी भरा हुआ रहता है, पिस्टन एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो क्या होता है जब क्रैंक मूव करता है फ्रॉम 0 डिग्री से 180 डिग्री, क्रैंक मूव करता है 0 डिग्री से 180 डिग्री, तो क्या होता है, क्रैंक मूव करता है तो पिस्टन जो है उसका मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू द एक्सट्रीम राइट। ओके, पिस्टन मूव करता है फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू द एक्सट्रीम राइट मूवमेंट करता है, तो ये पानी जो है था वो कंप्रेस हो जाता है। ओके, पानी कंप्रेस होके ये डिलीवरी पाइप खुलता है, फिर ये निकल जाता है टू द डिलीवरी टैंक। ओके, और एक चीज भी होता है कि जब पिस्टन मूव करता है, पिस्टन मूव किया यहां से यहां तक। ओके, पिस्टन अभी मान के चलिए कि पिस्टन जो है ये एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक आ गया है। ओके, क्रैंक की पोजीशन 0 से 180 डिग्री, क्रैंक हैज मूव्ड फ्रॉम 0 डिग्री से 180 डिग्री, पिस्टन हैज मूव्ड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू द एक्सट्रीम राइट, द वाटर हैज बीन कंप्रेस्ड, वाटर जो था वो कंप्रेस हो गया है और पानी जो है वो डिलीवरी टैंक में चला गया है। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि वैक्यूम रहता है, यहां पर वैक्यूम रहने के कारण क्या होता है कि वैक्यूम मतलब लो प्रेशर, और ये जो पानी है वो एकदम से हाई प्रेशर में है, तो प्रेशर डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, पानी जो है सम्प लेवल से जाता है सिलेंडर में। ओके, पानी जो है वो सिलेंडर से चला जाता है टू द, पानी जो है वो सम्प लेवल से सिलेंडर तक जाता है। ओके, फिर जब क्रैंक मूव करता है फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, देन द पिस्टन ऑल्सो मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। ओके, तब क्या होता है, ये जो पानी होता है वो कंप्रेस हो जाता है और डिलीवरी पाइप खुलता है, फिर वो चला जाता है डिलीवरी टैंक की तरफ। ये होता है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। मतलब यहां पर क्या होता है कि दो बार सक्शन होता है और दो बार डिलीवरी होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अभी वर्क डन इसका कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन पर सेकेंड में। ओके, तो वर्क डन पर सेकंड पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमको डिस्चार्ज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, डिस्चार्ज पर सेकंड। ओके, डिस्चार्ज पहला हमारा काम क्या है कि डिस्चार्ज पर सेकंड निकालना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब पिस्टन मूव करता है फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू द एक्सट्रीम राइट। ओके, तो पिस्टन का सपोज मान के चलिए कि ये पिस्टन जो है ये इस साइड में है अभी। ओके, पिस्टन ये साइड में है, तो क्या होता है कि ये जो जगह है ये खाली हो गया है। ओके, ये जगह जो है वो खाली हो गया है, ये जो स्पेस है, पिस्टन तो अभी मूव कर दिया, तो यहां पर जो है वो खाली जगह है, तो खाली जगह का सर्कल का एरिया, इसका एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर एरिया बन रहा है, तो इस एरिया का क्या होगा, अगर हम मान के चलिए ये एरिया ले रहे हैं A1,
तो उसका सर्कुलर एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, अगर डायमीटर की बात करें तो पाई बाई फोर इंटू डी वन स्क्वायर खाली एरिया है ना, तो उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हुआ पाई बाई फोर इंटू डी वन स्क्वायर, राइट। फिर हमें ए टू निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो बार सक्शन हो रहा है यहां पर और दो बार डिलीवरी हो रहा है। तो अब जब पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू द एक्सट्रीम राइट, जब पिस्टन मूव करेगा एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक, तब क्या होगा कि पिस्टन जो है, तब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये पूरा पिस्टन का एरिया, पूरा पिस्टन का एरिया माइनस दिस एरिया, क्योंकि यहां पर अभी पिस्टन रॉड भी है, ओके यहां पर पिस्टन रॉड भी है, ओके पानी जो रहेगा ये जो देखिए, मान के चलिए सपोज मैं और एक कलर के पेन में चल रहा हूं, आपको ए टू निकालना है, अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको ए टू निकालना है, क्या होगा पिस्टन, जो पिस्टन क्या हुआ मूव किया फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट मूव किया, तो क्या होगा कि पानी जो कवर करेगा वो पूरा एरिया कवर करेगा माइनस दिस एरिया, ओके पानी कवर कितना करेगा ये पूरा एरिया माइनस दिस एरिया, सो आई कैन राइट पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड, ओके राइट पाई बाई फोर डी स्क्वायर वेयर डी इज द डाया ऑफ कनेक्टिंग रॉड, डी इज द डाया ऑफ कनेक्टिंग रॉड सॉरी पिस्टन रॉड राइट डी इज द डाया ऑफ पिस्टन रॉड, ओके समझ में आया कि वाट, जब पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, सो पूरा ये क्रॉस सेक्शन का एरिया पूरा पानी कवर करेगा माइनस दिस एरिया, ओके क्योंकि पिस्टन रॉड है, ओके तो हम अभी क्या करेंगे, टोटल एरिया कितना होगा ए वन प्लस ए टू, ओके ए वन प्लस ए टू, अभी आपका एरिया कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, ओके ए इज हाउ मच पाई बाई फोर इंटू डी वन स्क्वायर प्लस पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ओके देखिए कनेक्टिंग वो जो पिस्टन रॉड का डायमीटर है, पिस्टन रॉड का जो डायमीटर है उसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल है इन कंपैरिजन टू डी वन, ओके डी जो पिस्टन रॉड का डायमीटर है, समझिए बात को, पिस्टन रॉड का जो डायमीटर है वो वेरी वेरी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू डी वन, ओके व्हाट इज डी वन, डी वन इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ओके और यू कैन से डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ओके सो इन पिस्टन रॉड का जो डायमीटर है वो बहुत ही स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द पिस्टन डायमीटर, ओके सो आई एम नेग्लेक्टिंग दिस पार्ट, सो एरिया इज इक्वल टू टू इंटू पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर, सो टोटल एरिया इज हाउ मच दिस मच टू बाई टू पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर राइट। देखिए B इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ दैट इज टू इंटू पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर इंटू एल मीटर क्यूब, इतना इसका मतलब क्या है कि अगर हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की यूज करें तो फिर इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिलीवर करेगा, ओके इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिलीवर करेगा एक क्रैंक रिवोल्यूशन में, एक जब क्रैंक एक रिवोल्यूशन पे घूमेगा वन क्रैंक रिवोल्यूशन में, वो जो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है इतना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिलीवर करेगा, ओके राइट। अभी मैं बोल रही हूं कि एन क्रैंक रिवोल्यूशन पर मिनट, क्रैंक रिवोल्यूशन पर मिनट में, एन क्रैंक रिवोल्यूशन पर मिनट में वो कितना डिलीवर करेगा, फिर टू इंटू पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर इंटू एल मीटर क्यू इंटू एन रिवोल्यूशन पर मिनट, इतना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिलीवर करेगा राइट right? तो रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन कैंसल विच इज इक्वल टू टू इंटू पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर इंटू एल इंटू एन मीटर क्यू पर मिनट, ओके इतना हो गया आपका, इतना तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है,
ओके, तो एन रिवोल्यूशन में वो इतना डिलीवर करेगा वाटर। अभी हमको क्या चाहिए कि हमें डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या है कि डिस्चार्ज ही हो रहा है ना मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब हम लोग एक्चुअली में क्या निकाल रहे, डिस्चार्ज बाय फ्लो रेट निकाल रहे। तो अब क्या करूं मैं, अभी इसको मीटर, लेकिन डिस्चार्ज हमेशा सेकंड में ही हमें कैलकुलेट हमें चाहिए, तो ये सेकंड में होगा, तो क्या होगा 2 × π/4 d1² × L × n m³³/60 सेकंड। एक मिनट को सिर्फ 60 सेकंड में मैंने किया। ओके, तो इसको अगर मैं लिखूं तो 2 × ALN/60 m³/s में लिख सकती हूं। ओके, विच इज इक्वल टू योर q। ओके, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला 2 ALN/60 m³/s, राइट। अब फिर क्या निकालते हैं, अभी वेट पर सेकेंड निकालेंगे, वेट पर सेकेंड वाटर डिलीवर्ड। ओके, उसका कैलकुलेशन कितना करेंगे, वेट पर सेकेंड ऑफ पर सेकेंड वाटर डिलीवर्ड बाय डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, बाय डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, वेट पर सेकेंड ऑफ वाटर डिलीवर्ड बाय डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसका कैसे निकालेंगे। देखिए, वेट पर सेकेंड का मतलब क्या है कि वेट इज इक्वल टू mg/s/s। ओके, mg/s। ओके, तो उसका फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग निकाल रहे हैं, तो वेट क्या है mg, हाँ, डिवाइडेड बाय सेकेंड हमें पूछा गया है। ओके, तो mg के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हमको पता है, तो यहां से मास इज इक्वल टू रो इंटू वी। ओके, तो मैं क्या इसी फॉर्मूला का फायदा अभी उठाने वाली हूँ और वेट पर सेकेंड में उसको पुटअप करने वाली हूँ। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो वेट पर सेकेंड ऑफ वाटर डिलीवर्ड इज इक्वल टू योर रो भी जी डिवाइडेड बाय सेकेंड, राइट, क्योंकि मैंने मास के जगह पर क्या लिखी है कि रो इंटू भी, ओके, जी डिवाइडेड बाय सेकेंड, वेरी सिंपल। ओके, तो ये जो वॉल्यूम, ये जो भी बाय सेकेंड जो है वो क्या है हमारा, वॉल्यूम अपन सेकेंड इज व्हाट, क्यू, दैट इज डिस्चार्ज, सो रो क्यू इंटू जी। ओके, व्हाट इज नाउ रो क्यू जी, रो 2 ALN/60 × g, राइट, 2 ALN/60 × g, यही फॉर्मूला है, हो गया आपका, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वर्क डन पर सेकेंड, अभी आपको पता चल गया कि वेट पर सेकेंड ऑफ वाटर डिलीवर्ड कैसे निकालेंगे, अभी नेक्स्ट हम कैलकुलेट क्या करेंगे कि वर्क डन पर सेकेंड ऑफ वाटर डिलीवर्ड। ओके, ये सब हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का निकाल रहे हैं, अभी कितना वर्क डन पर सेकेंड कितना होगा, वर्क डन पर सेकेंड दिस इज इक्वल टू अच्छा इसका यूनिट तो मैंने आपको बताया नहीं, वेट पर सेकेंड का यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर सेकेंड होगा, वेट ऑफ वाटर पर डिलीवर्ड पर सेकेंड, उसका यूनिट मैंने भूल गए थे मतलब डिस्कस करने, वेट पर सेकेंड ऑफ वाटर डिलीवर्ड का यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और सेकेंड पर सेकेंड, सो न्यूटन पर सेकेंड, राइट, यूनिट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। वर्क डन पर सेकेंड ऑफ वाटर डिलीवर्ड, नाउ दिस वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर सेकेंड इंटू डिस्टेंस। ओके, वेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर सेकेंड इंटू टोटल हाइट और डिस्टेंस टोटल हाइट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ वेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर सेकेंड इज हाउ मच, रो 2 ALN/60 × g। ओके,
टोटल हाइट हमारा कितना है, एच एस प्लस एच डी, वेयर एच एस इज द सक्शन हाइट एंड एच डी इज द डिलीवरी हाइट, राइट। इतना जूल पर सेकेंड होगा, यूनिट क्या होगा उसका, वर्क डन पर सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड, दैट मीन्स इट इज इन वाट, इट इज इन वाट, जूल पर सेकेंड, मैं यूनिट लिख रही हूँ, जूल पर सेकेंड और वाट, ओके। सो ये है आपका फॉर्मूला, दैट इज रो 2ln/60 जी इंटू एच एस प्लस एच डी इन जूल पर सेकेंड। अगर किलो जूल पर सेकेंड होगा तो आप डिवाइड कर देना इंटू 1000 करके, ओके राइट, अगर आपको किलोवाट में चाहिए आंसर तो, ओके। तो ये सब जो फॉर्मूला है आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फिर आते हैं उसके रिलेटेड, ओके। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।